मथुरा में अग्रसेन जयंती पर मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां अग्रसेन जयंती के चल समारोह के दौरान एक व्यक्ति बेहोश अवस्था में पड़ा रहा, लेकिन ना तो समारोह के आयोजकों ने उसकी सुध ली, ना ही पुलिस प्रशासन ने उसकी कोई फिक्र की। ऐसे में महापुरुषों को याद करके उनकी शिक्षा को दोहराना समाज की कथनी और करनी पर सवाल उठाता है। आज अग्रसेन चौराहा जिसको कहते हैं, इससे पूर्व में ये मसानी नाम से था, अग्रसेन की मूर्ति लगा दी गई, इसलिए उसका नाम अग्रसेन चौराहा हो गया। आज अग्रसेन जयंती है। वहाँ एक व्यक्ति, चाहे उसने अल्कोहल पी ली है या जिस भी स्थिति में है, वो उसके गले में अग्रसेन का पट्टा पड़ा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ इन अग्रसेन के लोगों से, क्या इनको वो व्यक्ति नहीं दिख रहा है? वहां पर इतनी बड़ी पुलिस प्रशासन है, क्या उनको नहीं दिख रहा है? यदि मान लिया जाए कोई वाहन उस व्यक्ति के ऊपर होके चढ़ के चला जाए तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हम ये आपके चैनल के माध्यम से हम इनको कहना चाहते हैं, अग्रसेन की सभा को भी और पुलिस प्रशासन को भी, क्या लोगों ने बिल्कुल पट्टी बांध करके इतने बड़े चौराहे पर काम किया जा रहा है, एक इतना बड़ा आदमी नहीं दिख रहा है इनको? हमें ऐसा लगता है कि ये लोग कुंभकर्ण जैसे ये लोग सो रहे हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारा कार्यक्रम रहा, कभी घुड़सवारों में चार लोग बैठ गए कि ये हो गए। दूसरा इनका एक था, राजा ने एक रुपया एक ईंट मांगी थी, ये इनके पास में कहने के लिए है, बाकी जनहित के लिए इनके पास कुछ नहीं। हम ये कहना चाहते हैं, ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये बिल्कुल निराधार है। सबसे पहले मानवता आज चौराहे पर शर्मसार हो रही है।